हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त रोहित और आप सबका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। सो गाइस, आज का वीडियो काफी ज्यादा कमाल का और काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला गाइस, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं टॉप 5 न्यू फाइटिंग गेम्स फॉर योर एंड्रॉइड डिवाइस, जो कि गाइस आप लोगों को काफी ज्यादा कमाल का एक्सपीरियंस ये गेम्स प्रोवाइड करने वाले। उसके साथ में गाइस आप लोगों को इसमें काफी ज्यादा कमाल की ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है और गाइस आप लोगों को इनमें मल्टीप्लेयर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। मतलब गाइस आप आपके फ्रेंड्स के साथ इस गेम को भी एंजॉय कर सकते हो। तो गाइस आई होप आप सभी लोगों को सभी गेम्स जरूर पसंद आएंगे और गाइस अगर आपको ये गेम है और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में जाके डन कमेंट जरूर कर देना। और गाइस अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना, बिकॉज इन फ्यूचर काफी सारे नए नए वीडियोज आने वाले। तो गाइस अभी और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जो हमारे लिस्ट का 5th नंबर का गेम निकल के आता है, काफी ज्यादा कमाल का गेम होने वाला है और गाइस इस गेम का नाम होने वाला है फ्लैश पार्टी। और गाइस इस गेम की साइज आपको अराउंड 690 एमबी के आसपास देखने को मिल जाती है। गेम पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाला है। सो गाइस अगर हम लोग इस गेम की ग्राफिक्स की बात करें तो गाइस आपको इसमें काफी अच्छे खासे ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, काफी कमाल का एक्सपीरियंस ये गेम आपको प्रोवाइड करने वाला है। उसके साथ में गाइस आप लोगों को इसमें काफी ज्यादा कमाल के कैरेक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं और गाइस हर कैरेक्टर के पास अपनी खुद की अलग एबिलिटी आपको इसमें देखने को मिल जाती है, जो कि आप फाइट के दौरान यूज कर सकते हो। और गाइस इस गेम में आपको मल्टीप्लेयर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, मतलब गाइस आप आपके फ्रेंड्स के साथ इस गेम को एंजॉय कर पाएंगे। और गाइस इस गेम का जो कॉम्बैट सिस्टम है थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा यूनिक कॉम्बैट सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। मतलब गाइस प्ले करने में आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मतलब गाइस आप लोग एक सिंपली एक प्लेटफॉर्म पे फाइट करने वाले और गाइस आपके पास काफी ज्यादा कमाल के पावर्स इस गेम में देखने को मिल जाते हैं, काफी कमाल के कॉम्बोज आप यूज कर सकते हो आपके एनिमी के ओपोनेंट्स में। और गाइस आपके सामने जितने भी प्लेयर्स होने वाले सभी रियल टाइम प्लेयर्स होने वाले, तो गाइस आप लोगों को काफी ज्यादा कड़ी टक्कर देने वाले। और गाइस आप लोगों को इसमें 4v4 की फाइट भी देखने को मिल जाती है, 3v3 की फाइट भी देखने को मिल जाती है। तो गाइस ओवरऑल ये जो गेम है काफी ज्यादा कमाल का है, लेकिन गाइस ये गेम प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं। अगर गाइस आपको ये गेम को डाउनलोड करना है तो गाइस आप लोगों को इस गेम को टैप टैप स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो गाइस आई होप आपको ये गेम जरूर पसंद आया होगा। तो गाइस चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइस जो हमारे लिस्ट का 4th नंबर का गेम निकल कर आता है, काफी ज्यादा कमाल का और काफी ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। गाइस उस गेम का नाम होने वाला है स्कूल गर्ल फाइटिंग आरपीजी। और गाइस इस गेम की साइज आपको अराउंड 95 एमबी के आसपास देखने को मिल जाती है प्ले स्टोर के, लेकिन गाइस आप लोगों को बाद में इसका इंटरनल डेटा भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो गाइस अगर हम इस गेम की ग्राफिक्स की बात करें तो गाइस आप लोगों को इसमें काफी अच्छे खासे ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है, इसमें आपको 2D ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। और गाइस इसके जो ग्राफिक्स आपको थोड़े से कार्टूनिश टाइप के देखने को मिल जाते हैं, जिसके साथ प्ले करने में काफी ज्यादा मजा आता है। और गाइस आप लोगों को इसमें काफ़ी सारे अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, उन्हें अपग्रेड कर सकते हो, उन्हें लेवलअप कर सकते हो। और गाइस आप लोगों को इसमें काफ़ी ज़्यादा कमाल के कॉम्बोज देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी कमाल के अलग अलग सुपर पावर्स देखने को मिल जाते हैं आप आपके कैरेक्टर के साथ आपके गेम में यूज़ कर सकते हो। और गाइस गेम को प्ले करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और गाइस आप लोगों को इसमें काफ़ी सारे अलग अलग मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि गाइस आप लोगों को इसमें स्टोरी मोड देखने को मिल जाता है, पजल फाइट देखने को मिल जाता है, डेली इवेंट्स अलग अलग आपको देखने को मिल जाएंगे, रियल टाइम ऑनलाइन बैटल्स, ऐसे बहुत सारे मोड्स आपको इस गेम में देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस आप लोगों को प्ले करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो गाइस आप लोग इस गेम को जरूर ट्राई कर लेना। और गाइस मैं आप लोगों को इस गेम के बारे में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, गाइस ये गेम ऑलरेडी PS4 के ऊपर भी अवेलेबल है, तो गाइस आप लोग सोच सकते हो गेम कितना ज़्यादा कमाल का होने वाला है। तो गाइस अगर आप लोगों ने इस गेम को ट्राई किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। तो गाइस चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइस हमारे लिस्ट का 3rd नंबर का गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम होने वाला है इनजस्टिस 2। और गाइस ये गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इस गेम के बारे में मुझे आपको ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी प्ले स्टोर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर गेम हो चुका है। और गाइस इस गेम की साइज आपको अराउंड 1.5 GB के आसपास देखने को मिल जाती है। गेम पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाला है और गाइस इस गेम में भी आपको मल्टीप्लेयर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो गाइस अगर हम लोग इस गेम की ग्राफिक्स की बात करें तो गाइस आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा तगड़े ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है, मतलब गाइस आप लोगों को इसमें कंसोल क्वालिटी ग्राफिक्स आपको आपके
एंड्रॉयड डिवाइस में एक्सपीरियंस करने का मौका मिलने वाला है। और गाइस सबसे बड़ी बात, आप लोगों को इसमें डीसी के सभी कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सुपरमैन, बैटमैन, फ्लैश, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस अगर आप लोग डीसी के फैन हो तो आप इस गेम को जरूर ट्राई कर लेना। आप लोगों को इसमें काफी ज्यादा कमाल की कॉम्बैट सिस्टम देखने को मिल जाती है, काफी ज्यादा कमाल के कॉम्बोज आप इस गेम में बना सकते हो। और गाइस इस गेम में अगर आप लोगों ने कोई भी सुपर पावर यूज की तो उसका जो कट सीन है ना वो काफी ज्यादा कमाल का देखने को मिलेगा। अगर आप लोग डीसी के फैन हो तो इस गेम को जरूर ट्राई करना, आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो गाइस चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। सो गाइस जो हमारे लिस्ट का सेकंड नंबर का गेम निकल कर आते हैं, काफी ज्यादा पॉपुलर और बहुत ज्यादा तगड़ा गेम होने वाला है। सो गाइस इस गेम का नाम होने वाला है फाइनल फाइटर। और गाइस इस गेम की साइज आपको अराउंड 884 एमबी के आसपास देखने को मिल जाती है। गेम पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाला है। सो गाइस अगर हम लोग इस गेम की ग्राफिक्स की बात करें तो गाइस आपको इसमें काफी ज्यादा तगड़ी कंसोल क्वालिटी ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। उसके साथ में गाइस काफी ज्यादा कमाल का कॉम्बैट सिस्टम आपको इस गेम में देखने को मिल जाता है। और गाइस आप लोगों को इसमें काफी अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिनके पास अपनी एक सुपर एबिलिटी होती है, आप गेम में यूज करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि गाइस जैसे आप लोगों ने कोई भी सुपर एबिलिटी यूज की तो गाइस उसका काफी ज्यादा कमाल का एक कट सीन आपको देखने को मिल जाता है, जो इसकी ग्राफिक्स बहुत ज्यादा कमाल की होती है। तो गाइस ओवरऑल आप लोगों को इस गेम को प्ले करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि गाइस आप लोगों को इसमें सभी रियल टाइम प्लेयर्स देखने को मिलने वाले, क्योंकि गाइस ये गेम पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाला है। उसके साथ में गाइस आप लोगों को इसमें काफी सारे चैंपियनशिप देखने को मिल जाते हैं, काफी सारे अलग अलग मोड्स देखने को मिल जाते हैं। आप आपके कैरेक्टर को कस्टमाइज कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, उसके पावर को चेंज कर सकते हो, उसके पावर को और भी ज्यादा अपग्रेड कर सकते हो। तो गाइस ओवरऑल गेम काफी ज्यादा तगड़ा है, काफी कमाल का यूनिक कॉम्बैट सिस्टम आपको इस गेम में देखने को मिलता है। तो गाइस आप लोग इस गेम को जरूर ट्राई कर लेना। और गाइस अगर आपको गेम पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। सो गाइस जो हमारे लिस्ट का फर्स्ट नंबर का गेम निकल कर आता है, काफी ज्यादा कमाल का और काफी ज्यादा तगड़ा गेम होने वाला है। गाइस उस गेम का नाम होने वाला है रियल स्टील वर्ल्ड रोबोट बॉक्सिंग। और गाइस इस गेम की साइज आपको अराउंड 732 एमबी के आसपास देखने को मिल जाती है। और गाइस ये गेम भी पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाला है। सो गाइस अगर हम लोग इस गेम की ग्राफिक्स की बात करें तो गाइस आप लोगों को इसमें काफी ज्यादा कमाल की ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। उसके साथ में गाइस आप लोगों को इस गेम में पूरे रियल टाइम प्लेयर्स देखने को मिलने वाले। और गाइस आपके जितने भी कैरेक्टर्स होने वाले सभी के सभी कैरेक्टर रोबोट्स होने वाले, मतलब आप लोगों को एक रोबोटिक फाइट इस गेम में प्ले करने का मौका मिलने वाला है। और गाइस उसके साथ में गाइस आप लोगों के पास काफी कमाल के चैलेंजिंग चैंपियनशिप्स आपको इस गेम में देखने को मिल जाते हैं, काफी कमाल के अलग अलग मोड्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, कैरियर मोड, मल्टीप्लेयर मोड, ऐसे बहुत सारे मोड्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। और गाइस आप लोगों के जो चैंपियनशिप होने वाले ग्लोबल लेवल पे टूर्नामेंट्स होने वाले, मतलब गाइस आप लोग ग्लोबल प्लेयर्स के साथ चैंपियनशिप में कम्पीट करने वाले, तो गाइस आप लोगों को प्ले करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। और गाइस आप लोगों को एक रियल स्पोर्ट्स एक्शन देखने को मिलने वाला है। उसके साथ में गाइस आपके कैरेक्टर के पास काफी कमाल के सुपर मूव्स होने वाले जिसे आप गेम में यूज कर सकते हो, काफी कमाल के कॉम्बोज आप लोग तैयार कर सकते हो। और गाइस आप लोगों को इसमें पीवीपी मोड भी देखने को मिल जाता है, आप लोग इसमें लाइव इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लाइव प्लेयर्स के साथ आप लोग इस गेम को प्ले कर सकते हो। तो गाइस ओवरऑल आप लोगों को इस गेम में काफी कमाल के और काफी यूनिक फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस आप लोग इस गेम को जरूर ट्राई कर लेना। आपके जो कैरेक्टर्स है आप उसे अपग्रेड कर सकते हो, उसके कलर को चेंज कर सकते हो, आप उसके पावर को बढ़ा सकते हो, उसके एबिलिटी को चेंज कर सकते हो। तो गाइज ओवरऑल गेम बहुत ज्यादा तगड़ा, बहुत ज्यादा यूनिक होने वाला है, क्योंकि गाइज रोबोटिक फाइट में आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला। तो गाइज आप लोग इस गेम को जरूर ट्राई कर लेना। और गाइज अगर आप लोगों ने इस गेम को ट्राई किया और गाइज आपको पसंद आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतने गेम्स थे, आई होप आप सभी लोगों को सभी गेम्स जरूर पसंद आए होंगे। और गाइज अगर आपको ये वीडियो फिर ये गेम पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में जाके डन कमेंट जरूर कर देना। और गाइज अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइस इन फ्यूचर काफी सारे नए नए वीडियोस आने वाले, तो गाइस उसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था, मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में कुछ और नए गेम्स, कुछ और नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।